हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि वॉलपेपर कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने बताया है, करके भी दिखाया है कैसे वॉलपेपर लगते हैं, कैसे केमिकल बनते हैं, किस तरीके से पेपर की कटिंग की जाती है और कैसे लगाते हैं। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, पता लग पाएगा कि वॉलपेपर कैसे लगते हैं। वॉलपेपर के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। अभी फ़िलहाल आज जो लगाऊंगा वो प्लेन डिज़ाइन है। तो आप सब बताइएगा पूरा वीडियो देखकर कि वॉलपेपर कैसे लगा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉल का मेज़रमेंट लेके पेपर कटिंग की जाती है डिज़ाइन मैचिंग करके, उसके बाद फिर केमिकल बनाएंगे। फिर ये रोल है जो लगना है, ये 21 इंची का रोल है। एक और रोल आता है जंबू रोल, जो 42 इंची का होता है, इससे डबल साइज का होता है। ये प्रॉपर रोल का साइज होता है, रोल का मेजरमेंट जो होता है एक रोल, ये इसी रोल के अनुसार किया जाता है। जब हम पेपर का शीट कटिंग करते हैं वॉल के लिए, तो जो वॉल की लेंथ होती है उससे हम 2-3 इंची एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, ताकि वॉल कहीं टेढ़ा हो, ऊँचा हो, तो वो मैनेज हो सके। तो उसी अनुसार हम कटिंग करते हैं 2-3 इंची एक्स्ट्रा लेके। जब हम दूसरे सीट की कटिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि पहला सीट दूसरे सीट से मैचिंग हो रहा है कि नहीं रहा है। मैचिंग करके ही कटिंग करते हैं, ताकि हम अगर तीसरा सीट काटे तो वो मैचिंग लेके ही काटे। तो यहाँ पे पहला सीट दूसरे सीट को एक साथ मिला के पहले डिज़ाइन मैच करते हैं। अगर फेस टू फेस है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर 1-3-5 करके डिज़ाइनिंग होती है ऊपर नीचे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये फेस टू फेस पेपर था, तो डिज़ाइनिंग मैच करके ये कटिंग करते हैं। उसके बाद तीसरे सीट सब फेस टू फेस लेके ही कटिंग करके चलेंगे। जब हम पेपर का डिज़ाइनिंग मैच करते हैं तो आगे डिज़ाइन मैच करने में आगे कुछ मार्जिंग हो जाती है, तो वो मार्जिंग को हम बाद में कटिंग कर लेते हैं, ताकि प्रॉपर सारा सीट एक लेंथ में आ जाए, फिर लगाने में आसानी होती है। ये है केमल का CNC पाउडर। बहुत टाइप का केमिकल आता है, इम्पोर्टेंट केमिकल और सारा भी कंपनी का केमिकल है, तो हम ज़्यादातर ये CMC का पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये पानी में जितना अनुसार पेपर लगेगा, जितना रोल, उसी अनुसार पानी लेते हैं और ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसे घोलते रहते हैं। अगर नहीं घोलेंगे, ज़्यादा पड़ गया तो ये गांठ बन जाता है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसे हम घोलते रहते हैं। और ये जैसे जैसे घुलेगा वैसे वैसे ये टाइट होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा। पेपर को पहले उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके फिर इस पर केमिकल लगाएंगे। केमिकल दीवार के बेस के अनुसार लगेगा। अगर दीवार पे प्राइमर किया हुआ है, ऑयल प्राइमर, दीवार चिकनी है, मतलब ज़्यादा चूस नहीं है, तो कम ही केमिकल यूज़ होता है। अगर दीवार चूस है, अगर प्राइमर नहीं किया हुआ है, वाटर प्राइमर किया हुआ है, केमिकल ज़्यादा पीता है, तो फिर मुझे ज़्यादा केमिकल लगाना पड़ता है। तो बेस के अनुसार ही केमिकल लगाना पड़ता है। Thank you.
जब हम पहला सीट दीवार पर पेस्ट करते हैं तो ये दिमाग में रखना पड़ता है कि ये दीवार सीधी है टेढ़ी है। तो पेपर को हम हमेशा सीधी करके लगाते हैं। अगर थोड़ा सा टेढ़ा दीवार है तो पेपर को थोड़ा चढ़ाकर मार्जिन लेकर चलना पड़ता है क्योंकि आगे वो टेढ़ा ना हो, पेपर का डिज़ाइन टेढ़ा हो जाता है। तो मैं उसी अनुसार पेपर लगाऊंगा सीधी करके, मार्जिन अगर ज़्यादा टेढ़ा है तो मार्जिन ले लूँगा। यहाँ पे कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।